नमस्कार, मैं हूं सकरवार सुमंत और आप देख रहे हैं बेखौफ आज तक। ई रिक्शा पलटने से 3 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल। खबर जनपद गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र से है, जहां विवाह समारोह से घर जा रहे परिवार का ई रिक्शा पलटने से 3 महिलाओं सहित कुल 5 लोग घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा में भर्ती कराया गया, जहां एक महिला का बायां बाजू कट जाने के कारण स्थिति गंभीर हो गई। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने के कारण इलाज कर रहे चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं 4 लोगों का प्राथमिक इलाज कर छुट्टी दे दी गई। रेवतीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर साधोपुर गांव में एक चौधरी परिवार में विवाह समारोह से घर वापस जाते समय भदौरा और नवली के बीच NH-124C पर ई रिक्शा पलट जाने से 3 महिलाओं सहित कुल 5 लोग घायल हो गए, जिसमें सुदामी देवी 45 वर्ष निवासी साधोपुर उर्फ रामपुर का बाया बाजू घुटने से कट जाने के कारण जिला अस्पताल चिकित्सकों द्वारा रेफर कर दिया गया। आइए जाने इस संदर्भ में क्या कुछ बताया। नाम बता दीजिए। मंजीत चौधरी और गाना गीत लगाना सुन रहा था और जब चला रहा था और जरा जा रहा था और सुन रहा था और ले जा चला रहा था। किस चीज़ में लड़ा है? ईटा था, एक ईटा ईट का चट्टान में पलट गया था। हाँ, लड़के पलट था। कई लोग घायल है इससे? मैं डॉक्टर रविरंजन, CSC भदौरा। एक्सीडेंटल क्या था मामला? हाँ जी, आर टी केस था। इन्हें शायद ऑटो से एक्सीडेंट हुआ था, इसमें एक ही हाथ में गंभीर है, बाकी 4 लोग शामिल हैं एक्सीडेंट में। टोटल 5 लोग हैं? जी टोटल 5 लोग हैं। तो जो ज़्यादा है तो हाथ कटा है उसका? हाँ, एक ही हालत गंभीर है, जिसकी प्राथमिक उपचार करके जल्दी जल्दी उनका रेफर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गाजीपुर के लिए भेजा गया है। आचार को प्राथमिक उपचार करके घर भेजा गया। अपने क्षेत्र के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें बेखौफ आज तक से।